बैक स्टूडेंट्स. आज मैं क्लास 11 की फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कई मैसेज मिले क्लास 11 स्टूडेंट के, क्योंकि मैं 10th और 12th बोर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहा था. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द क्लास 11th, तो ये मैं पहली वीडियो है जो क्लास 11th के लिए बनाने जा रहा हूँ. और यहाँ पे मैंने लास्ट एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियो का, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 22 है, मैंने उससे स्टार्ट किया है. तो यहां इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में, कितने टाइप की हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं और उनके सिक्रीशंस क्या क्या होते हैं. और सिक्रीशन बेसिकली कोई ग्लैंड क्या करेगी, वो हमारे हार्मोन को रिलीज करती है. तो यहां पे मैं इस चैप्टर को अब स्टार्ट करता हूं. सबसे फर्स्ट पार्ट है कि ग्लैंड क्या है. बेटा, ग्लैंड हमारे ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो प्रोड्यूस करती हैं और सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को. तो बेसिकली तीन तरीके की ग्लैंड होती हैं. एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और थर्ड होती है हेटरोक्राइन ग्लैंड. जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी वो क्या करेंगी, वो हमारा रिलीज करेंगी उनके सिक्रीशन को विद द हेल्प ऑफ डक्ट. मतलब कि ये अपने हॉर्मोन्स को डक्ट्स की मदद से रिलीज करेंगी टू द टारगेट ऑर्गन. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, लिवर से हमारा रिलीज होता है बाइल जूस. तो बाइल जूस इज रिलीज्ड बाय अ ग्लैंड दैट इज लिवर. तो वो लिवर एक तरीके की एक्सोक्राइन ग्लैंड है. क्यों? क्योंकि ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन के अंदर पोर करता है विद द हेल्प ऑफ डक्ट. डक्ट मतलब कि सपोज वहां पे आपने ये चैप्टर नंबर 16 पढ़ा होगा जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट था, तो वहां पे पढ़ा होगा कि जब लिवर सिक्रीट करता है गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अलावा एक पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, तो वो हमारा पेनक्रियाटिक जूस आता है. तो वो दोनों के दोनों कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू दे आर रिलीज इन साइड द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो वहां पे क्या हो रहा था, कॉमन बाइल डक्ट थी, डक्ट के थ्रू वो सिक्रीट हो रहा था किसमें, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो वो ग्लैंड जो डायरेक्टली पोर कर दे टू द नियर बाई ऑर्गन, टू देयर टारगेट ऑर्गन, जहां पे वो जो हार्मोन है या एंजाइम है या जूस है वो एक्शन ले, ऐसी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, अब बेटा ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगी, ये इनका जो टारगेट ऑर्गन जो भी होगा ये नियर बाई ऑर्गन के लिए ही रिलीज करती है, डिस्टेंट ऑर्गन के लिए ये कोई भी सिक्रीशन नहीं देती. अब दूसरी बात करता हूं मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, जिसको हम लोग बेसिकली फोकस करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो डायरेक्टली पोर करें अपने सिक्रीशन को ब्लड के अंदर और ब्लड के थ्रू वो रीच करे टारगेट ऑर्गन पे और वहां जाके टारगेट ऑर्गन पे वो एक्शन ले. फॉर एग्जाम्पल बेटा, ग्रोथ हॉर्मोन रिलीज होता है ब्रेन से, ठीक है, और ब्रेन से पिट्यूटरी उसको रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन को और वो पूरी बॉडी के ऊपर एक्शन लेता है फ्रॉम द टिप टू टो द पार्ट. तो ये जो हमारा एक्शन हुआ जिसमें हार्मोन को रिलीज किया गया किसमें, ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू वो सिक्रीशन हमारा टारगेट ऑर्गन पे पहुंचा. उसे यहां पे कोई भी डक्ट नहीं थी, कहीं पे उसको स्टोर नहीं किया गया, उसको सिंथेसाइज किया और उसको डायरेक्ट सिक्रीट कर दिया ब्लड में. तो ऐसे सिक्रीशंस जो ब्लड में पोर किए जाएं किसी ग्लैंड द्वारा, उन्हें हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब एक होती है जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, पार्शियली एंडोक्राइन है और पार्शियली एक्सोक्राइन है. मतलब कुछ रोल वो एंडोक्राइन का दे रहे हैं, कुछ रोल वो एक्सोक्राइन का दे रहे हैं, उसे कहते हैं हम लोग हेटरोक्राइन ग्लैंड. और हेटरोक्राइन ग्लैंड्स फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियाटिक ग्लैंड. पेनक्रियाज बेटा पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है. पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो हमारा डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करेगा. और दूसरा, वहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं हमारी, अल्फा बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, ठीक है, तो वो सब रिलीज करती हैं हमारे कुछ एंडोक्राइन हॉर्मोन्स को. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन रिलीज किया जाता है आपका. उसके अलावा There are few other hormones which are released by the pancreatic gland. तो
जो हमारा इंसुलिन था वो तो रोल प्ले कर रहा था एंडोक्राइन पार्ट वाला, क्योंकि वो डायरेक्टली सिक्रीट किया जा रहा था ब्लड में, और पेनक्रियाटिक जूस था वो रिलीज किया जा रहा था कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, वो पहुंच रहा था कहां पे, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे वो डाइजेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा था। तो ऐसी कुछ ग्लैंड होती हैं जिन्हें हम लोग हेटरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं बॉडी के अंदर और उनकी लोकेशन क्या है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम में रोल प्ले करेंगी और रिलीज करेंगी देयर सिक्रीशंस को, और उन सिक्रीशन को कहते हैं हम लोग हॉर्मोन्स। अब ऐसी ग्लैंड्स कौन कौन सी है हमारी बॉडी में। सबसे पहली ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अभी मैं लोकेशन बताऊंगा जब मैं उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर आऊंगा। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, आपका एड्रिनल, पेनक्रियाज एंड गोनाइड्स, दीज आर द 9 टाइप ऑफ डिफरेंट ग्लैंड जिनको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी ग्लैंड रिलीज करती हैं इनके सिक्रीशंस को कहां पे, ब्लड के अंदर। इसीलिए इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। और सब जो हमारे हार्मोन रिलीज करेंगे इनके सिक्रीशंस को हम लोग क्या कहेंगे, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स को बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हार्मोन हमारे वो केमिकल मैसेंजर हैं जो बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन सेट ऑफ सेल टू द अनदर सेट ऑफ सेल्स। मतलब ये हमारे केमिकल मैसेंजर्स का काम करेंगे और बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाएंगे फ्रॉम वन सेट ऑफ सेल टू द अनदर सेट ऑफ सेल। अब हॉर्मोन्स के फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं बेटा। सबसे पहला, हर एक हार्मोन जो रिलीज किया जाएगा उसका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। मतलब एक हार्मोन डिफरेंट फंक्शन नहीं रोल प्ले कर सकता, वहां पे एक हार्मोन पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा और एक्ट करेगा स्पेसिफिक सेल पे, टिश्यू पे या ऑर्गन पे, और ये सेल, टिश्यू या ऑर्गन वो क्या होंगे, उसके टारगेट सेल्स कहलाती हैं। तो कोई भी हार्मोन हमारा डेफिनेट फंक्शन और फंक्शन प्ले करेगा, उसके अलावा एक्ट करेगा स्पेसिफिक पार्ट्स के ऊपर जिन्हें हम लोग टारगेट सेल्स कहते हैं। दूसरा बेटा, ये हमारे बहुत स्मॉल ट्रेसेस अमाउंट में चाहिए। जैसे हमारे जो जूसेस होते हैं, मतलब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस हैं वो हमारे बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर ट्रेस अमाउंट में चाहिए, वेरी लिटिल अमाउंट में वो सिक्रीशन आएगा और रेगुलेट कर देगा वहां पे फंक्शन को। तो थर्ड फंक्शन, इनका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, एंड का जो फंक्शन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब जो जिस भी ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन के ऊपर ये एक्ट कर रहे हैं वहां पे इनका जो इफेक्ट होगा वो बहुत देर के लिए रहेगा। और लास्ट फंक्शन जो है इनका, ये रोल प्ले करते हैं मेंटेन करने में होमियोस्टेसिस को। होमियोस्टेसिस एक तरीके का रेगुलेशन है बॉडी के अंदर जो हमारे ऑस्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन उसको रेगुलेट करता है। तो ये हमारे होमियोस्टेसिस को भी रेगुलेट करता है। होमियोस्टेसिस जो परफॉर्म करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग होमियोथर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अस, मतलब हम लोग बेटा हाई टेम्परेचर पे भी अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं, लो टेम्परेचर हो तब भी हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। मीन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड एनवायरमेंट, जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए उनको हम लोग होम्योथर्म कहते हैं। और जिस मीन्स प्रोसेस से इस चीज को परफॉर्म किया जा रहा है, जिससे रेगुलेट किया जा रहा है, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो हमारे हॉर्मोन्स होम्योस्टेसिस भी करेंगे। अब ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन वाली बात की, अब मैं एक एक ग्लैंड को लूंगा और उसके फंक्शंस की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं हाइपोथैलेमस की बात करता हूं। तो हाइपोथैलेमस में सबसे पहले उसकी लोकेशन कहां पे आएगी, तो बेटा लोकेशन ये हमारी होती है बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफलॉन इन द फोर ब्रेन पार्ट। मतलब हमारे फोर ब्रेन के डाइसेफलॉन में, डाइसेफलॉन के बेसल पार्ट पे हमारा हाइपोथैलेमस
लगा होता है और हाइपोथैलेमस होता है कनेक्टेड पिट्यूटरी से। क्यों? हाइपोथैलेमस के पास एक ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है जिन्हें हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। हम न्यूक्लियाई देती हैं सिक्रीशन जो एक्सॉन के थ्रू जाएंगी और नर्व एंडिंग के थ्रू रिलीज होंगी और नर्व एंडिंग के थ्रू रिलीज होके वो पहुंचेंगी पिट्यूटरी के पास। तो पिट्यूटरी के जितने भी सिक्रीशंस होंगे, ध्यान रखना आप मेरी बात को, जितने भी सिक्रीशन पिट्यूटरी रिलीज करेगी वो सबको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमारा मेन रेगुलेटिंग बॉडी है यहां पे। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये जो इसने हार्मोन को रिलीज किया, रिलीज कहां से किया, जो इसके पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स थी नर्व एंडिंग से रिलीज हुई और वो हमारा जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे हमारा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम। जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूंगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो पोर्टल हमारा सिस्टम होता है जहां पे हमारा हाइपोथैलेमस अपना डायरेक्टली सिक्रीट करेगा ब्लड के अंदर और वो पोर्टल सिस्टम क्या करेगा, उस हार्मोन को पिट्यूटरी के पास पहुंचाएगा और पिट्यूटरी क्या करेगा, जो आगे ये सिग्नल देता है, मतलब मेनली हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी कंट्रोल करता है अदर ऑर्गन्स को जो हमारे सिक्रीट करते हैं। तो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस द्वारा, तो वो कौन कौन से हैं, पहले होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन तो स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट मतलब वो क्या करेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर से सिक्रीशंस को करने का सिग्नल देंगे। वो सिग्नल देंगे कि पिट्यूटरी, जैसे सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज रेगुलेट होनी है तो उस सारी चीज को कौन सेंस करेगा, वो हमारा हाइपोथैलेमस सेंस करेगा। हाइपोथैलेमस सेंस करने के बाद सिग्नल देगा पिट्यूटरी को, तो पिट्यूटरी क्या करेगी, वो रिलीजिंग हॉर्मोन्स को और मींस जो हमारा ट्रॉपिक इफेक्ट है वो आगे सिग्नल को फॉरवर्ड करेगी उस टारगेट ऑर्गन को जो हमारा रिलीज कर रहा है पर्टिकुलर हार्मोन को। तो यहां पे रिलीजिंग हार्मोन ये क्या है, ये स्टिमुलेट कर रहे हैं सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फॉर एग्जांपल जैसे एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, GnRH कहते हैं उसे, वो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है और ये हमारे पिट्यूटरी के ऊपर जाता है, पिट्यूटरी कुछ स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के लिए गोनेडोट्रोपिन्स को। गोनेडोट्रोपिन कौन कौन से हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जाके अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ किसका, रिलीजिंग हॉर्मोन्स का। एक हमारा ये इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज करता है, सपोज करिए उस चीज की जरूरत नहीं है तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस सेंस करेगा और सेंस करने के बाद ये सिग्नल करेगा पिट्यूटरी को कि अब उस चीज के सिक्रीशंस को बंद करना है तो उसको इनहिबिट किया जाएगा। इनहिबिट करने के लिए इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज किए जाएंगे। देखिए, इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसका एग्जांपल है बेटा सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को, किससे, पिट्यूटरी से। तो ये तो हमारा दो पार्ट रहे जो हार्मोन के, जो हमारे रिलीज हुए किसके द्वारा, ये रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो पहला पार्ट हम लोगों ने देखा रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट कर रहा था पिट्यूटरी को, और दूसरा पार्ट देखा हम लोगों ने इनहिबिटरी हार्मोन जो हमारा इनहिबिट कर रहा था पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को। अब दूसरा जो हम लोग ग्लैंड पढ़ने वाले हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे बॉडी की स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और इसकी जो लोकेशन है एक बोनी कैविटी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अवर ब्रेन दैट इज कॉल्ड सेला टर्शिका। तो ये सेला टर्शिका के अंदर प्रेजेंट होती है और ये क्या करेगी, जैसे हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को रेगुलेट किया था तो पिट्यूटरी इंटर्न रेगुलेट करती है अदर ऑर्गन्स को। तो ये हमारा पिट्यूटरी का जो है रोल था। अब बेटा जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी जुड़ी होती है किससे, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के नीचे एक हाइपोफिजियल स्टाक होती है, देखिए डायग्रामेटिकली आपको समझाया है मैंने, यहां पे एक हाइपोफिजियल स्टाक है जो हमारा
हाइपोथैलेमस को, ये हाइपोथैलेमस है आपका जो हमारे बेस ऑफ डाइसेफलॉन पे प्रेजेंट था इन द फोर ब्रेन, यहां से ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट कर रहा है कौन, हाइपोफिजियल स्टाक। अब पिट्यूटरी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसेस, और ये है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे कहते हैं हम लोग एडीनो हाइपोफाइसेस, और इन दोनों के बीच में सेपरेट करने के लिए होता है दैट इज कॉल्ड पार्स इंटरमीडिएट। नाउ व्हाट विल हैपन, मैंने जो हमारा एडीनो हाइपोफाइसेस है उसको दो पार्ट में और सब डिवाइड कर दिया है, दैट इज पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिएट। तो जो मेजर सिक्रीशन आएंगे पिट्यूटरी के अंदर दे विल कम फ्रॉम पार्स डिस्टलिस पार्ट, कौन से, एडीनो हाइपोफाइसेस या एंटीरियर पिट्यूटरी के। और हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है, वो होते हैं हमारे पहला तो वैसोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन, दो ही हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा, और हमारे जो मेजर हार्मोन रिलीज होंगे वो होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से, मतलब आपके एडीनो हाइपोफाइसिस के पार्ट्स डिस्टलिस वाले पार्ट से, और हमारा जो पार्ट्स इंटरमीडिया है वो केवल एक हार्मोन रिलीज करेगा दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आगे चल के मेलानिन का सिगमेंट मींस जो मेलानिन हमारे पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसका सिक्रीशन करवाएगा। तो मैंने यहां पे बात करता हूं पहले पार्स डिस्टलिस के, तो सबसे पहला मैंने यहां पे लिखा है जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच मतलब आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा वो सारे के सारे रिलीजिंग हार्मोन होंगे, और जितने हार्मोन हमारे पिट्यूटरी रिलीज करेगा वो ट्रॉपिक हार्मोन होंगे। तो जहां पे अगर आरएच आ रहा है जैसे जीएनआरएच, आरएच मतलब रिलीजिंग हार्मोन, तो ये रिलीज कहां से हुआ है, हाइपोथैलेमस से हुआ है, और वो रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर आके एक्ट कर रहा है, पिट्यूटरी के ऊपर, और पिट्यूटरी आगे चल के उसको ट्रॉपिक कन्वर्ट कर देगा, मतलब अगर जैसे जीएनआरएच हमारा आया तो ये क्या करेगा, गोनेडोट्रॉप, देखिए यहां पे ट्रॉपिक इफेक्ट आएगा, ट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब होता है कि सपोज कोई ग्लैंड है दूसरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रही हो ताकि दूसरी ग्लैंड क्या करे, वो कुछ रिलीज करे, तो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट जिसमें एक ग्लैंड दूसरी ग्लैंड को क्या करे, स्टिमुलेट करे ताकि वो जो दूसरी ग्लैंड थी वो कुछ सिक्रीट कर दे, उस चीज को ट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। तो अब हमारे जैसे सबसे पहले यहां पे मैं बात कर रहा हूं सीआरएच, मैं पहले इनको ही बता देता हूं, आपके ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसके ऊपर आके एक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर आके एक्ट करेगा तो हमारे थायराइड हार्मोन रिलीज होगा। दूसरा एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये हो गया हमारा। एक है एलएचएफएसएच दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज प्रोलैक्टिन। तो ये सारे के सारे जो है सब पर्टिकुलरली रिलीज होंगे और पर्टिकुलर एक ऑर्गन के ऊपर जाके अपना रोल प्ले करेंगे। तो यहां पे मैंने एक फ्लो चार्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, इनके बीच में हाइपोथैलेमस ने सबसे पहले रिलीज किया सीआरएच, और ये है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसने आके इफेक्ट एक्ट किया किसके ऊपर, पिट्यूटरी के ऊपर, पिट्यूटरी को इंटर्न स्टिमुलेट करा रिलीज करने के लिए क्या, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, नॉट रिलीजिंग हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। और एसीटीएच ने किसके ऊपर एक्शन लिया, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है हमारी। तो सीआरएच रिलीज किया हाइपोथैलेमस ने, एसीटीएच रिलीज करा पिट्यूटरी ने, और एसीटीएच ने एक्शन ले लिया किसके ऊपर, हमारे कॉर्टेक्स वाले पार्ट के ऊपर, और कॉर्टेक्स किसके ऊपर, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड की बाहर वाली लेयर को हम लोग मेडुला कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को हम लोग, सॉरी बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को हम लोग मेडुला कहते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो हमारा हाइपोथैलेमस ने दूसरा वाला रिलीज किया है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच,
तो इसने देखो आगे चल के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड के ऊपर एक्शन लेगा, ये जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, GHRH के साथ साथ मैंने आपको जब हाइपोथैलेमस बताया था उसमें मैंने इनहिबिटरी इफेक्ट भी बताया था, तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट GHIH भी होता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज होता है साथ में, जो फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे आएगा। तो GHRH आपका एक्शन ले रहा है किसके ऊपर, पिट्यूटरी के ऊपर, पिट्यूटरी इन टर्न क्या रिलीज करेगी, ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन डिफरेंट सेल पूरी बॉडी के ऊपर एक्शन लेगा। अब ये है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज किया किसने, हाइपोथैलेमस ने, एक्शन किसके ऊपर लिया, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ने इन टर्न क्या रिलीज किया, लेक्टोट्रॉप, और लेक्टोट्रॉप्स ने आके, लेक्टोट्रॉप भी कह सकते हो या प्रोलैक्टिन भी कह सकते हो, ये किसके ऊपर एक्शन लेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर, मेमोरी ग्लैंड क्या करेंगे इन टर्न मिल्क रिलीज करेंगी। उसके अलावा आपका लास्ट वाला पार्ट है GnRH, जिसको मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज किसने किया, हाइपोथैलेमस ने, एक्शन किसके ऊपर लिया, पिट्यूटरी के ऊपर, और पिट्यूटरी ने इन टर्न क्या किए, गोनेडोट्रॉप्स रिलीज किए, जैसे हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन्होंने इंटर्न LH और FSH ने, टेस्टिस पे इनका अलग रोल होगा, ओवरीज में फीमेल्स के अंदर इनका अलग रोल होगा, उसकी बात हम लोग अभी करेंगे। अब ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि पिट्यूटरी के पार्ट्स कौन कौन से थे, वो कैसे इफेक्ट करते हैं, रिलीजिंग इफेक्ट कहां से आता है, स्टिमुलेटिंग और ट्रॉपिक इफेक्ट कहां से आता है। अब मैं एडिनो हाइपोफाइसिस मींस दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, उसको फर्स्ट पार्ट से लेके स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां पे एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्ट्स डिस्टलिस वाला पार्ट, तो सबसे ज्यादा सिक्रीशन हमारे पास डिस्टलिस से आ रहे हैं, इसमें हमारा सबसे पहला है दैट इज सोमेटोट्रोपिन्स और ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का हम लोग सब फंक्शन जानते हैं कि ये क्या करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, बेटा ग्रोथ करवाएंगे, तो दे विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा ये टारगेट करते हैं किसको, मसल्स को और एडिपोज टिश्यू को, जिनके अंदर ये टारगेट करके स्टिमुलेट करेंगे सेल डिवीजन, सेल डिवीजन हो जाने की वजह से क्या होगा, बॉडी का मास इंक्रीज करता चला जाएगा। नेक्स्ट इज दे इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ बोन्स, हमारी बोन्स की भी ग्रोथ को ये इंक्रीज करेंगे, कैसे बेटा, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उसको इंटेस्टाइन के अंदर बढ़ा देंगे, जिससे उनका कैल्शियम का एक्यूमुलेशन बोन के ऊपर ज्यादा हो जाएगा। नाउ बेटा इन्होंने क्या किया, बोन्स की लेंथ को भी बढ़ा दिया, कैसे, इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन करके हमारे कैल्शियम आयन का इंटेस्टाइन से, सेल डिवीजन तो इंक्रीज कर ही कर रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ है बॉडी की, मास के रेस्पेक्ट में कह लो चाहे हाइट के रेस्पेक्ट में कह लो, वो सब की सब ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। अब ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा बने या कम बने तो क्या होगा, तो ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपोसिक्रीशन हो, मतलब बेटा हर जो हार्मोन है वो पर्टिकुलर अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि कोई अगर हार्मोन है उसको पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में चाहिए, अगर उससे थोड़ा ज्यादा भी हो अमाउंट में हार्मोन रिलीज हो तो उसे हाइपर कह देंगे, मतलब ज्यादा हो गया, और अगर जितनी डिमांड थी हार्मोन की उससे कम अमाउंट में अगर वो हार्मोन रिलीज हो रहा है तो कम हो रहा है तो उसे हम लोग हाइपोसिक्रीशन कह देंगे। तो हाइपर सिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन ये हमारे दो पार्ट हैं जिन्हें हम लोग को इसकी एबनॉर्मेलिटीज के अंदर पढ़ना है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाए इनके अंदर, अगर बचपन से ही अगर हाइपोसिक्रीशन है तो उन बच्चों के अंदर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन आएगा नहीं, उनकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन इतना होगा नहीं, उनकी हाइट इंक्रीज होगी नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, ड्वार्फ हो जाएंगे, मतलब उनकी शॉर्ट हाइट रह जाएगी, बट ब्रेन का डेवलपमेंट नॉर्मल होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं ड्वार्फिज्म। और अगर अडल्ट के अंदर हाइपोसिक्रीशन होगा तो उसे हम लोग सिमोंस डिजीज कहते हैं। तो द हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट इज कॉल्ड सिमोंस डिजीज, और हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द यंग वंस इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म, इट विल लीड टू ड्वार्फिज्म। और हमारा हाइपर सिक्रीशन, मतलब जितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा होगा तो उसे कहते हैं बेटा हाइपर सिक्रीशन। और हाइपर सिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का होता है किनके अंदर, बचपन से ही अगर ज्यादा हमारा सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन,
तो उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दे आर वेरी लॉन्ग हाइटेड, मतलब 7 फुट से अबव उनकी हाइट होगी। तो आपने एग्जाम्पल देखा होगा खली का, खली इज अ केस ऑफ हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उनके अंदर क्या हुआ है, गिगेंटिज्म हो गया, गिगेंटिज्म मतलब जाइंट स्ट्रक्चर हो जाता है उनका, उनकी हाइट जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और थोड़ा सा आईक्यू उनके अंदर कम होता है। और अगर अडल्ट में जाके, मतलब पहले बचपन से लेके मतलब उनके अडल्टहुड तक वो सही थे, उनके अंदर नॉर्मल सिक्रेशन हो रहा था ग्रोथ हार्मोन का, लेकिन सपोज क्या हुआ कि कोई ट्यूमर फॉर्म हो गया हमारे ग्लैंड के अंदर और वहां पे उस चीज का हाइपर सिक्रेशन होना शुरू हो गया, तो उस केस में क्या होगा, अडल्ट स्टेज तक तो वो ठीक थे, मतलब उनकी जो नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल डेवलपमेंट सब कुछ हुआ, लेकिन अगर अडल्ट के अंदर एकदम हाइपर सिक्रेशन हो जाए किसी ग्रोथ हार्मोन का, तो वो कंडीशन जो होती है उसे कहते हैं बेटा एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली के अंदर क्या होगा कि उनका जो बोन लेंथ है लिम्ब्स की वो बढ़ जाएगी, और साथ साथ जो उनका लोअर जॉ होता है, लोअर जॉ इतना ज्यादा मींस बढ़ जाएगा, वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाएगा, मतलब उनका जो फेस का अपीयरेंस है वो गोरिल्ला जैसे थोड़े से अपीयर करेंगे, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा जो लोअर जॉ है उसका जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं एक्रोमेगैली एडल्ट के अंदर, और गिगेंटिज्म अगर नॉर्मली बचपन से ही रिलीज हो जाता तो ये तो हमारे एबनॉर्मेलिटीज हम लोगों ने देखी। अब बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, टीएसएच की। तो बेटा टीएसएच, अभी मैं पर्टिकुलरली थायराइड ग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं, थायराइड ग्लैंड को मैं अलग पार्ट में पढ़ाऊंगा, बट यहां पे मैं बात कर रहा हूं जो पिट्यूटरी से जो हमारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो रहे हैं वो कहां कहां एक्शन लेंगे। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्शन लेगा, ऑब्वियसली बात है हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर लेगा, नाम से पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग है। तो थायराइड ग्लैंड को क्या स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा कि थायराइड ग्लैंड तुम थायराइड हार्मोन रिलीज करो, T3 T4 को रिलीज करो, ठीक है। अब मैं इसको डिटेल्ड में बताऊंगा जब हमारे थायराइड ग्लैंड की मैं बात करूंगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH। तो ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक है, तो मतलब यहां पर क्या पता चल रहा है मुझे, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्शन लेने वाला है। अब एड्रिनल ग्लैंड में किसके ऊपर, मैंने आपको बताया तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, बाहर वाले पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को कहेंगे हम लोग मेडुला। तो ये एक्शन लेगा किसके ऊपर, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, और वहां से रिलीज करवाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स को। तो ये हमारा, अभी मैंने इसकी पार्ट की बात करी है, अभी मैं थोड़ी देर में सारी पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोलैक्टिन जो रिलीज होगा वो किसके ऊपर एक्ट करेगा। तो प्रोलैक्टिन जनरली ये ग्रोथ करवाता है किसका, मेमरी ग्लैंड का। तो मेमरी ग्लैंड की एक तो ग्रोथ करवाना और वहां से मिल्क को इजेक्ट करवाना, ये दो काम होंगे आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक है। बर्थ होने के बाद हमारा मेमरी ग्लैंड के अंदर रेगुलेट करता है ग्रोथ को और फॉर्मेशन को किसके, मिल्क के। इन दोनों चीजों का फंक्शन करने में जो रोल है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। अब बात करते हैं गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन की, तो इसमें पहले मैं LH की बात करूंगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। फीमेल के ऊपर उसका अलग तरीके से एक्शन होगा, मेल के ऊपर उसका अलग तरीके से रोल होगा। तो फीमेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब हमारा हाई कंसंट्रेशन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब ज्यादा सिक्रीट होता है तो 14th डे पे हमारा ओवम जो है, जिसके चारों तरफ एक लेयर होती है ग्रैनुलोसा की, वो रप्चर कर जाता है और ओवम रिलीज होता है, जिसे हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। तो ये क्या करवाएगा, ओवुलेशन करवाएगा, और ओवुलेशन करने के बाद जो बाहर का उसका आउटर कवर होता है वो फॉर्म कर जाता है कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने का भी काम इसी का है, ठीक है। उसके अलावा ये कॉर्पस लूटियम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करवाएगा किस चीज के लिए, ताकि हमारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो पाए। ये इसको मैं फिर से समझा देता हूं, देखिए ये ओवम है, ओवम के चारों तरफ ग्रेनुलोसा की लाइनिंग होती है ऐसे,
इसको पूरे को हम लोग फॉलिकल कहते हैं। तो जब ओवुलेशन होता है तो ये रक्चर होता है, रक्चर होने के बाद हमारा ओवम तो इसमें से रिलीज हो जाता है, और ये जो बाहर वाला कवर है ना, जो जिसने इसको कवर किया हुआ था ओवम को, ये बन जाता है हमारा क्या, कॉर्पस लूटियम। और ये कॉर्पस लूटियम आगे चल के क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। अब प्रोजेस्टेरोन हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन है, और मेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम लोग कहते हैं ICSH, मतलब इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टीशियल सेल्स का मतलब क्या है कि टेस्टिस के अंदर बेटा हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, स्पेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारी मेल जर्म सेल्स होती हैं जो हमारा मियोसिस करके मेल गैमेट्स को फॉर्म करती हैं। लेकिन होगा क्या कि उनके बाहर एक थोड़े जो इंटरसेलुलर स्पेसेस रह जाते हैं, वहां पे एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिन्हें हम लोग इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ लेडिग्स कहते हैं या इंटरस्टीशियल सेल्स कहते हैं। उनका काम होता है मेल सेक्स हार्मोन को बनाना, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने में हमारा लेडिग सेल्स या इंटरस्टीशियल सेल्स का रोल होता है। तो ICSH को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ICSH किसको आके, इंटरस्टीशियल सेल्स को, और हमारे टेस्टिस सिंथेसाइज करते हैं एंड्रोजन को। एंड्रोजन है हमारे क्या, टेस्टोस्टेरोन, और जिसकी वजह से मेल कैरेक्टर आता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करी, फीमेल के ऊपर उसका अलग टाइप का रोल था और मेल के ऊपर उसका अलग तरीके से रोल था, ऐसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी फीमेल के ऊपर अलग तरीके का रोल होता है और मेल के ऊपर अलग तरीके का रोल होता है। फीमेल के ऊपर कैसे ये रोल प्ले करेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फीमेल्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट कराते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स का। मैंने आपको बताया था ना, ये आउटर कवर के साथ ये ओवम क्या कहलाता है, फॉलिकल कहलाता है। तो जो फॉलिकल जब छोटा होता है तो उसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, और ये बड़ा होता चला जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और फिर ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये जो प्राइमरी से लेके ग्रेफियन तक बना, इसको बनाने में किसका रोल था, हमारे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ठीक है। और हमारा मेल के अंदर ये क्या करवाता है, एंड्रोजन्स के साथ मिलके, टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके विद फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन will induce a process that is called spermatogenesis. Spermatogenesis is a process in which sperms are formed inside the male. मतलब males के अंदर sperm की formation हो जाएगी। अब ये तो part यहाँ पे खत्म हुआ, जो pituitary का anterior pituitary वाला, जो मैंने pars distalis वाले part की बात की थी। अब मैं बात करता हूँ pars intermedia की। pars intermedia से हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों अलग अलग होते हैं। तो पार्स इंटरमीडिया के अंदर हमारा एक ही हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये MSH कहां पे एक्ट करता है, मेलेनोसाइट्स के ऊपर। मेलेनोसाइट्स कहां पे प्रेजेंट है, हमारी स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब हमारी ऑल ओवर द बॉडी में मेलेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और मेलेनोसाइट्स के अंदर हमारे क्या होता है, छोटे छोटे वेसिकल के फॉर्म में हमारी बॉडी के लिए स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड मेलानिन, वो स्टोर्ड होता है। तो उस स्टोर्ड हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए ये हमारे मेलेनोसाइट्स मेलानिन को रिलीज करेंगे, और मेलानिन हमारा क्या करेगा, स्किन पिगमेंटेशन लाएगा। स्किन पिगमेंटेशन मतलब आपने देखा होगा किसी पर्सन का डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, किसी का विटिश कॉम्प्लेक्शन होता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के कलर कॉम्प्लेक्शन किसी के अंदर आते हैं, ये आते हैं मेलानिन के कंसंट्रेशन की वजह से, और मेलानिन के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है सन का एक्सपोजर। तो अगर हम लोग अर्थ में, ये जैसे ये हमारा अर्थ है, और हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा सनलाइट कम होती चली जाती है, और जैसे सनलाइट कम होती चली जाएगी मेलानिन का भी सिक्रीशन कम होता हुआ चला जाएगा। इसलिए जो भी ठंडे देश हैं जहां पे आपका गर्मियां कम पड़ती हैं, वहां के लोग ज्यादा फेयर होते हैं। वो देश जहां पे आपका सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा होता है, वहां के जो पर्सन है, वहां की जो पॉपुलेशन है, उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन मिलेगा। ये तो बात हुई पार्स इंटरमीडिया की, जिसका काम था मेलानिन को सिक्रीट करना। अब मैं बात करने वाला हूं लास्ट पार्ट की, दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसेस पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो हमारी सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे मैंने पास डिस्टल्स बोला, पास इंटरमीडिया बोला, तो बेटा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है उसे कहते हैं हम लोग पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होते हैं, ये दो चीजों को रिलीज करता है, दो हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये दो रोल प्ले करता है, इसके डुअल रोल है। पहला रोल तो आता है बेटा ड्यूरिंग द डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एक यूट्रस की लाइनिंग होती है, उस यूट्रस की लाइनिंग में स्मूथ मसल्स लगी होती हैं। उस स्मूथ मसल्स के अंदर ये क्या करेगा, ये उसको स्टिमुलेट करेगा ताकि वहां पे कॉन्ट्रेक्शन हो पाए, और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो फुली ग्रोन बेबी है उसका एक्सपल्शन होता है टुवर्ड द बर्थ कैनाल। तो हम इसे बर्थ हार्मोन भी कह देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन। तो इट इज स्टिमुलेट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। नाउ द सेकेंड फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज इट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द एल्वियोलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो एल्वियोलाइज हैं, उनकी जो स्मूथ मसल्स हैं, उनको ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो रिलीज कर पाए मिल्क को। तो इसे हम लोग मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कह देते हैं। एंड ये तो हमारे दो रोल हो गए, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन। कौन है, ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखना। और अब वैसोप्रेसिन की बात करता हूं। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक, डायरोसिस मतलब होता है बेटा, डायोरिसिस का मतलब है कि रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। एंटी डायरोसिस मतलब क्या हो जाएगा कि रिलीज ऑफ वाटर को कम करे, उसके अगेंस्ट रोल करे। जैसे डायरेटिक ये हमारे जो एजेंट होते हैं, जैसे कॉफी हो गया या आपका टी हो गया या आपका बियर हो गया, ये हमारे डायरेटिक जो है एजेंट होते हैं। मतलब आप अगर इनको कंज्यूम करते हो तो आपके अंदर यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा। मतलब कि उन जो भी डायरेटिक एजेंट हैं वो हमारे यूरिन फॉर्मेशन को ज्यादा करवाएंगे। तो हमारा ये क्या करेगा, उसके अगेंस्ट, यूरिन के रिलीज के अगेंस्ट काम करता है। ये करता कैसे है बेटा, सपोज करो बॉडी के अंदर वाटर स्कैर्सिटी है। वाटर स्कैर्सिटी मतलब कि हमारे अंदर पानी कम है, और पानी कम होने के बावजूद अगर हम लोग ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन करके वाटर को यूरिन की फॉर्म में रिलीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, हमारे अंदर पानी की और ज्यादा कमी हो जाएगी। तो हमें ऐसी कंडीशन में करना क्या है कि एक तो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर वाटर कम है, तो हम क्या करेंगे, हमारे बॉडी का जो हार्मोनल मैकेनिज्म है वो डिटेक्ट करेगा इस चीज को, हमारा हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा इस चीज को और सिग्नल करेगा किसको, हमारी न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, कि रिलीज करो अब क्या, वैसोप्रेसिन को। वैसोप्रेसिन क्या करेगा, जाके जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है, दैट इज कॉल्ड डीसीटी। डीसीटी किसका पार्ट है, हमारे नेफ्रॉन के अंदर सबसे लास्ट वाला, कलेक्टिंग डक्ट से पहले वाला पार्ट, उसे कहते हैं हम लोग डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जनरली वो वाटर इम्परमिएबल रीजन होता है, वहां से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वहां पे केवल कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है किसी चीज का। तो अब वो कंडीशन आ चुकी है जिसमें वो डीसीटी अपना रोल प्ले करेगा, और वो रोल प्ले किसके इन्फ्लुएंस में आके करेगा, वैसोप्रेसिन के इन्फ्लुएंस में आके। तो ये स्टिमुलेट करेगा किस चीज को, रीएब्जॉर्प्शन को, किसके, वाटर के और इलेक्ट्रोलाइट्स के, फ्रॉम द डीसीटी ऑफ किडनी और नेफ्रॉन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। मतलब वाटर का जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाए, और उस चीज को हम लोग क्या करेगा, रिड्यूस, जो लॉस ऑफ वाटर हुआ है डायरोसिस कहते हैं हम लोग। और इसके अंदर क्या है कि अगर एडीएच का हमारी बॉडी के अंदर कंसेंट्रेशन कम हो जाए, एडीएच अगर रिलीज होगा कम, तो उस कंडीशन में हमारी एक डायबिटीज का टाइप है जिसे कहते हैं हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस। मतलब डायबिटीज तीन टाइप की होती है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस और ब्रोंस डायबिटीज। तो मेलाइटस की बात हम लोग इन्फ्लुएंस के साथ में करेंगे, इसके इंसुलिन जब हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि हमला जो डायबिटीज मेलाइटस है वो किस तरीके से होता है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ डायबिटीज इंसिपिडस की। इंसिपिडस के अंदर क्या होगा बेटा,
यहाँ पे शुगर का कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे उस पर्सन को बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, मतलब उसको बार बार यूरिनेशन होगा जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जब यूरिन का जो है फॉर्मेशन ज्यादा हो और बार बार यूरिन जाना पड़े, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीयूरिया होना। और पॉलीयूरिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है जब वाटर लॉस हो रहा है तो हमें प्यास भी लगेगी, और जब प्यास लगती है तो उसे कहते हैं पॉलीडिप्सिया, मतलब इंक्रीज थ्रस्ट इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया। तो उसके अंदर हमारा पॉलीयूरिया भी होगा, पॉलीडिप्सिया भी होगा। ये रोल था हमारा वैसोप्रेसिन का, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कराना, किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, फ्रॉम द डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। सो दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं इन्हीं के रिलेटेड, जैसे थायराइड ग्लैंड बची है अभी, हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड बची है, हमारे टेस्टिस गोनेड्स वाला पार्ट बचा है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड बचा है, इन सबको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा। अगर आप लोग इन सबके नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो यू कैन डाउनलोड देम डायरेक्टली फ्रॉम माय ऐप बाय डाउनलोडिंग दैट फ्रॉम प्ले स्टोर। आप उसको सिंपली प्ले स्टोर में जाके सर्च ऑप्शन कीजिए राना बायोलॉजी क्लासेस, और वहां से उस ऐप को जो है डाउनलोड करिए, और उसके अंदर आप 11th क्लास के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई टॉपिक है जिसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।